पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही अजीम गायक की, जिन्हें हम मनहर उदास के नाम से जानते हैं। छत के ऊपर तो कबूतर, छत के ऊपर तो कबूतर, नीचे मैं और तू, तुतुर तुतुर तू, नाम बदल ले हम अपना तो हो जाए जादू। मनहर उदास साहब का जन्म हुआ 13 मई सन 1943 में गुजरात का इलाका सावरकुंडला। मनहर उदास केशुभाई उदास और जीतूबेन उदास के सबसे बड़ी औलाद हैं और इनके छोटे भाई पंकज उदास बहुत ही जबरदस्त गायक और निर्मल उदास भी जबरदस्त सिंगर। इस बात को जानकर बड़ी हैरानी होती है कि मनहर उदास साहब ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल की थी और उसके बाद 60 की दहाई के अंत में इन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया। मन में था कि कोई नौकरी पकड़ लूंगा, ठीक ठाक सी जीविका चल जाएगी, लेकिन बचपन से ही इनका रुझान संगीत की तरफ था और इनके रिश्ते में लगने वाले एक भाई गुजराती फिल्में बनाया करते थे, वो भी मुंबई में रहते थे। उन्होंने इनका तारुफ करा दिया महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से। लड़का बहुत होशियार है। कल्याण जी आनंद जी के रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में मनहर उदास अक्सर चक्कर लगाया करते थे। एक अजीब इत्तेफाक रहा जिसकी वजह से मनहर उदास को बतौर प्लेबैक सिंगर काम करने का मौका मिल गया। हुआ दरअसल यूं कि एक दिन महान गायक मुकेश मौजूद नहीं थे और तब कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने सोचा क्यों ना मनहर की आवाज में इस गाने को डब करवा लेंगे और बाद में जब मुकेश साहब उपलब्ध होंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी। गाना था आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया। सन 1969 की फिल्म विश्वास के लिए गाना रिकॉर्ड किया जा रहा था। कमाल की बात यह है कि जब मुकेश साहब आए और उन्होंने मनहर साहब की आवाज़ सुनी तो कहा कि भाई इस गाने को इस नए लड़के की आवाज़ में ही रहने दें, मैं इस गाने को री रिकॉर्ड नहीं करूँगा। और इस तरह से मनहर उदास साहब की शुरुआत हुई। मनहर उदास साहब ने तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में गाने गाए हैं जिनमें गुजराती, हिंदी, पंजाबी और बंगाली फिल्में शामिल हैं। मनहर साहब ने कई गजलों में भी अपनी आवाज दी है। तकरीबन 30 से ज्यादा एल्बम्स इन्होंने लॉन्च की, देश में भी और विदेश में भी। मनहर उदास साहब कल्याण जी आनंद जी के साथ जुड़े रहे, चाहे वो फिल्म विश्वास रही या फिर पूरब और पश्चिम। कमाल की बात यह है कि एसडी बर्मन साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए मनहर उदास साहब की आवाज का चयन किया था। गाना था लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। उसके बाद फिरोज खान साहब की फिल्मों में इनकी आवाज उभर कर आई, चाहे वो कुर्बानी रही या फिर जाबाज। राम अवतार, त्रिदेव, हीरो, सौदागर, सड़क, हर फिल्म में इनकी आवाज का जलवा सर चढ़ के बोला। शिरडी के साईं बाबा की आराधना में इन्होंने कई गाने गाए। राज पिक्चर्स, लव इन हवाई, सॉन्ग नंबर 1, टेक 1, रेडी, 1, 2, 3, 4। मनहर साहब की एक बेटी है जिसका नाम है मानसी उदास दलाल, जो कि अमेरिका में रहती है। मनहर उदास साहब ने देश में विदेश में बहुत से स्टेज शोज किए। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे मुख्तलिफ आवाजों में एक आवाज है मनहर उदास की। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।